कोरोना वायरस इन्फेक्शन की दूसरी लहर से हिंदुस्तान में तलब में कमी का खदशा पहले से ही जाहिर किया जा रहा था और अब इस बात पर आरबीआई ने भी मुहर लगा दी। आरबीआई का कहना है कि इस वबा की दूसरी लहर से तलब में गिरावट आई है और इसका असर मईशत पर भी पड़ा है। आरबीआई ने अपने माहाना बुलेटिन में कहा है कि कोरोना के मामले दोबारा बढ़ने से मौजूदा माली साल की पहली सहमाही में माशी सरगर्मियां बहुत ज्यादा नहीं घटी हैं, लेकिन इससे नुकसान हुआ है। आरबीआई के मुताबिक कोरोना इन्फेक्शन की दूसरी लहर ने हिंदुस्तान समेत पूरी दुनिया के लिए मुश्किलें खड़ी की हैं, लेकिन उसे रोकने के लिए जंगी सतह पर कोशिश की जा रही। माहाना बुलेटिन के मुताबिक अप्रैल और मई में इकोनॉमिक इंडेक्टर कमजोर हुए हैं। कोरोना की दूसरी लहर का सबसे ज्यादा असर डिमांड पर पड़ा है। इसके साथ ही मोबिलिटी, खर्च और रोजगार में कमी आई है, जबकि इन्वेंट्री में इजाफा हुआ है। इसका मतलब यह है कि तलब नहीं बढ़ी है, हालांकि इसका सप्लाई पर कम असर रहा। आरबीआई का कहना है कि माशी सरगर्मियां धीमी हुई हैं, लेकिन कोरोना की दूसरी लहर का असर गुज़िश्ता साल आई कोरोना की पहली लहर से कम है।